देव जी, पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मुख्तार अंसारी सिंधिया में नेता? देखिए, आप लोगों के ही जानकारी से मुझे ये जानकारी मिली कि ऐसी घटना हुई है और वहाँ के मेडिकल टीम ने ये पुष्टि की कि उनको हार्ट अटैक से यहाँ मृत्यु हुई है। और मेरा मानना है कि प्रतिक्रिया मेरी यही है कि एक आतताई का अंत हुआ, उसके एक युग का अंत हुआ है और उसके जितने आतंक रहे हैं, और मेरे क्षेत्र में मैं बात करूं या मेरे पूरे जिला गाजीपुर की मैं बात करूं तो वहां पे लोगों ने रात पूरे दिवाली में नहीं, मैं गाजीपुर से ही आया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और बाबा के दरबार में भले ही थोड़ी देर हुई, या न्यायपालिका में मैं कहूँ भले ही थोड़ी देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं है। और हमेशा से मेरी माता जी का ये रहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हर एक दिन न्याय हमें जरूर मिलेगा जिसका अनुरोध है। ऐसे कोई आपकी मान्यता भी थी क्या कि इस युग का मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हम दर्शन पूजन भी करने जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। ये जरूर था कि हमारे पिताजी का जन्म होली के दिन हुआ था और मैं व्यक्तिगत तौर से कभी भी होली नहीं मनाया उनके मृत्यु के उपरांत, न होली न दिवाली। और भगवान का संयोग देखिए, या कहूँ मैं कि एक अच्छा संयोग रहा कि होली भी इस बार बीती है अभी 2 दिन पहले माघों के महीने में, और आज कल रात मेरे क्षेत्र में लोगों ने दिवाली भी मनाई है, तो सब एक साथ मना दिया भगवान ने। अच्छा, एक शांति जिंदगी जीने वाले की मौत एक जेल की कोठरी में, बंद कोठरी में। नहीं, शान की जिंदगी क्या होती है जेल कोठरी में? मैं तो ठीक है, इससे पूर्व की सरकारों का हमेशा से परिश्रम मिलता रहा इसलिए इनका एक शान चलता रहा, और यही एक बदलाव देखने को, एक साफ नियत की सरकार जब 2017 में पूजनीय महाराज जी की उसमें आई तो पूजनीय महाराज जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही अपराध के खिलाफ, आज उसी का नतीजा है कि सारे शान शौकत इस जेल कोठरी में खत्म हो गए। 2-2 मुकदमे में उनको आजीवन कारावास हुआ, MP MLA कोर्ट जो हमारे पिताजी का था उसमें 7 साल की सजा हुई उनके और उनके भाई को। तो ये शान की जिंदगी नहीं है, एक अपराधी की जिंदगी का यही हश्र होता है और उसी का ये नतीजा है। अच्छा, एक हम पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहेंगे, अजय राय जिनके भाई के मर्डर में भी उनका नाम सामने आया था, वो अब इस मामले में बोलने से पीछे हट रहे हैं। देखिए, उनकी मजबूरियां उनकी पार्टी है, और मेरा ये मानना है कि पार्टी या दल कभी भी आपके अपने स्वाभाविक विचार के विपरीत नहीं होनी चाहिए। अजय राय आज भले ही कांग्रेस में है, आज वो खुल के मुख्तार की मृत्यु का खुशी भी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि यही कांग्रेस सपा और बसपा कभी उनको एक परिसर दे के इतना बड़ा माफिया बनाई। लेकिन मेरे दल का मुझे ये एक, मैं कहूँ तो घमंड है, या मैं कहूँ मुझे इसका बहुत ही विश्वास है कि आज उस दल का मैं एक कार्यकर्ता हूँ जिसने हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति को कभी नहीं माना, और मैं उस नेता का कार्यकर्ता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पूजनीय महाराज जी हो, जिनका हमेशा से ये रहा है कि इस देश में संतुष्टिकरण की राजनीति होगी और किसी भी अपराधी में कोई भी मजहब और धर्म ढूंढने का काम नहीं किया जाएगा।